प्रेज द लॉर्ड। सही मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई एम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, संसार से मित्रता करने का अर्थ है परमेश्वर से बैर रखना। आज बहुत से मसीही लोग और बहुत से प्रभु को मानने वाले लोग संसार के लोग जैसे चलते हैं वैसे ही आज वो चलने लगे हैं। संसारिक व्यक्ति और प्रभु में चलने वाले व्यक्ति में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। परमेश्वर में प्रिय लोगों, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द मैसेज। इस मैसेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैसेज है संसारिक लोगों और मसीही लोगों में अंतर। आज संसारिक और मसीही लोगों में क्या अंतर रह गया है? संसारिक लोग वो काम करते हैं जो मसीही लोग नहीं करते हैं, और मसीही लोग वो काम करते हैं जो संसारिक लोग नहीं करते हैं। इसी को अंतर बोला जाता है। अर्थात आज आप देखो कि संसार के लोग कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। जो कुछ भी आज शैतान जो संसार का हाकिम है उनको प्रोवाइड करा रहा है, उनको दे रहा है, उसको फट से वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। परंतु मसीही लोग वो लोग होते हैं जो सोच कर, विचार करके और परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं उसको परखते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं परंतु रिजेक्ट करते हैं। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियंस। ये मसीही लोगों का ये गुण होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मसीही लोग होने के बावजूद भी आज हम लोग ऐसे ऐसे ज्ञान संसार से ले आते हैं और उसको हम अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में उसको अपलोड करते हैं और बताते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे पास ये ज्ञान नहीं है। अच्छे अच्छे आपको सुविचार मिलते हैं जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। ये बात सत्य है। आपको ऐसे ऐसे आपको ज्ञान मिलते हैं कि आपको वो बाइबल में नहीं मिलता। क्या आज ऐसा ज्ञान संसार में है जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है? क्या आप इस बातों को नहीं जानते हैं कि बाइबल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बातें हैं? तो आज आप मसीही लोगों को ऐसा कौन सा समय आ पड़ा है और कौन सी ज़रूरत आ पड़ी है जो ज्ञान बाइबल में लिखी हुई है वो ज्ञान आप उसको अपलोड ना करके, उसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड ना करके आप संसार से ज्ञान उठाते हो और उसको सुविचार है, अनमोल विचार है, उसको आप अपलोड करते हो। ये सबसे बड़ी आज मसीही लोगों में ये गुण पैदा हो गया है जो संसारिक गुण हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, A to Z सोशल मीडिया में आज लोग लिप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू लोगों के जीवन में जो स्पिरिट है, जो लालच का स्पिरिट है वो इंटर कर रहा है और उस स्पिरिट के थ्रू वो लोग ऐसे लालच के पाप में गिरते जा रहे हैं जिसमें से बाहर आना अनहोना हो जाएगा। और आज ऐसे हम देखते हैं कि मसीही लोग संसारिक लोगों का कॉपी कर रहे हैं। वैसे तो मसीही लोगों की कॉपी जो है संसारिक लोगों को करनी चाहिए, परंतु जस्ट अभी उल्टा हो रहा है। अभी के समय में संसारिक लोगों का जो कॉपी है वो मसीही लोग कर रहे हैं। जैसे कि आजकल फेसबुक जो हम देखते हैं, जो व्हाट्सएप हैं, उनमें बहुत सारे लोग स्टेटस लगाने का अभी का समय जो अभी चल रहा है वैसी ही आज मसीही लोग भी करते हैं। आधा स्टेटस वो लोग तो संसारिक डालते हैं, आधा स्टेटस मसीही डालते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आप क्या कर रहे हो? ये क्या साबित करना चाहते हो आप? ये तो मसीही में जीवन जियो या तो संसार में जीवन जियो। आपका जो अपलोड कर रहे हैं उसके द्वारा एक संदेश मिलना चाहिए। आज संसार का जो हाकिम है वो सोशल मीडिया को तो पूरा यूज कर रहा है अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, परंतु आज हम मसीही लोग जस्ट हम शैतान का साथ दे रहे हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग ना करके कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। इसके थ्रू आज बहुत से लोगों का चैनल बैन किया जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए रोक लगाए जाएंगे। आज आपके पास में समय है, उस समय का उपयोग करो, न कि आप संसारिक जैसे आज
स्टेटस लगा दे रहे हैं, जहां से भी ज्ञान पाए उसको उठा करके स्टेटस में डाल दिए। क्या आप मसीह होने के बावजूद भी आपके पास में ऐसा ज्ञान नहीं है कि आप उस ज्ञान को नेग्लेक्ट करके आप अपने परमेश्वर के ज्ञान को आप वहां पे डालें? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कृपया करके ध्यान से अपने जीवन को जिए। आज किसी भी तरीका से आप शैतान के जाल में मत फंसें।